केमिस ऑप्शन में सिमिलरली कोवेलेंट बॉन्ड्स का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। और ये इसके ऐसे 6.6 के 6 याद करने की जरूरत नहीं है, 4 याद कर लो जो आपको इजी लग रहे हैं। ये नॉन स्पेसिफिक होता है, ये स्पेसिफिक होता है, और ये जो ये वाला याद कर लो, ये रिवर्सिबल होता है, ये इरिवर्सिबल होता है, ये नॉन स्पेसिफिक होता है, ये स्पेसिफिक होता है, और जो है इट अकर्स ड्यू टू वीक वैन डर वाल्स फोर्सेस, इट इन्वॉल्व द फॉर्मेशन ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड। और एक और है इसमें जो नई की, मैं आपको बता देती हूँ, ये मल्टी मॉलिक्यूलर होता है और ये यूनि मॉलिक्यूलर होता है, मतलब ये एक लेयर बनाता है, ये काफी सारे आई मीन ये काफी सारे लेयर बनाता है, मल्टी लेयर बनाता है, ये सिर्फ वन बनाता है। ओके, गिव रीजन वाई अ फाइनली डिवाइडेड सब्सटेंस इज मोर इफेक्टिव एज एन एडसॉर्बेंट। ये मैंने पहले ही बताया था, क्योंकि उसका सर्फेस एरिया इंक्रीज हो जाता है, इसलिए नेम द फैक्टर विच इन्फ्लुएंस द एडसॉर्प्शन ऑफ अ गैस ऑन अ सॉलिड। नेचर ऑफ गैस, गैस का नेचर क्या है जो एड्सॉर्ब हो रही है, टेम्परेचर, टेम्परेचर का इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, एक्टिवेशन ऑफ एड्सॉर्बेंट, नहीं तो फिर रेट रेट रिएक्ट ही नहीं करेगा वो, नेचर ऑफ एड्सॉर्बेंट, प्रेशर, प्रेशर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, सरफेस एरिया के भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो बेसिकली सरफेस एरिया, टेम्परेचर, नेचर ऑफ एड्सॉर्बेंट, एक्टिवेशन ऑफ एड्सॉर्बेंट, नेचर ऑफ गैस, दैट्स इट। ये तो लॉन्ग क्वेश्चन है और ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है और ये बहुत ही ज्यादा आता है, तो मैं ये बहुत लंबा हो जाएगा, तो मैं इसे एंड में बताऊंगी आपको। लेट्स कम अप टू नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय एक्टिवेशन ऑफ एड्सॉर्बेंट एंड हाउ इट इज अचीव्ड। सो एक्टिवेशन ऑफ एड्सॉर्बेंट इज बेसिकली जो है वो एड्सॉर्बेंट को, एक्टिवेशन ऑफ एड्सॉर्बेंट मीन्स मेकिंग एड्सॉर्बेंट मोर पोरस, क्योंकि अगर पोरस होगा ना, पोरस अभी शेप सेलेक्टिव कैटलिस्ट में आएगा, पोरस जो है वो बहुत ज्यादा फास्ट रेट से रिएक्शन करता है, तो एड्सॉर्बेंट को पोरस बनाना और उसका सरफेस एरिया इंक्रीज कर देना, जैसे हमने पढ़ा चारकोल कैन बी एक्टिवेटेड बाय पासिंग स्टीम थ्रू इट एट हाई प्रेशर। तो एग्जांपल है जैसे कि जो चारकोल है उसे कैसे एक्टिवेट कर सकते हैं, अगर हम स्टीम पास करें बहुत ज्यादा हाई प्रेशर पे तो चारकोल एक्टिवेट हो जाएगा, ठीक है। इट कैन ऑल्सो बी डन बाय यूजिंग फाइनली डिवाइडेड एड्सॉर्बेंट सो एज टू इंक्रीज द सरफेस एरिया। ओके, इफ यू मेक द सरफेस रफ द एक्सटेंट ऑफ एड्सॉर्प्शन विल इंक्रीज। तो अभी ये देखो रफ सरफेस इज इवन इम्पॉर्टेंट, कि हम अगर सरफेस को रफ कर दे तो एक्सटेंट ऑफ एड्सॉर्प्शन इंक्रीज हो जाएगा। वॉट रोल डज एड्सॉर्प्शन प्ले इन हेट्रोजिनस कैटालाइसिस। अभी एड्सॉर्प्शन क्या रोल प्ले करता है हेट्रोजिनस कैटालाइसिस में। इन हेट्रोजिनस कैटालाइसिस गैसेस गेट एड्सॉर्ब ऑन द सरफेस ऑफ कैटलिस्ट। ओके, हेट्रोजिनस कैटलिस्ट मतलब कि अगर प्रोडक्ट सॉलिड है तो रिएक्टेंट्स लिक्विड है, डिफरेंट है मतलब। इन हेट्रोजिनस कैटालाइसिस गैसेस गेट एड्सॉर्ब्ड ऑन द सरफेस ऑफ कैटलिस्ट एंड चांसेस ऑफ इफेक्टिव कोलिजन इंक्रीजेस। ओके, हेंस द रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीजेस, द प्रोडक्ट फॉर्म लीव द सरफेस ऑफ कैटलिस्ट। ओके, इन हेट्रोजिनस कैटलिस्ट गैसेस गेट एड्सॉर्ब्ड ऑन द सरफेस ऑफ कैटलिस्ट एंड चांसेस, जो इफेक्टिव कोलिजन है ना उसके चांसेस बढ़ जाएंगे जब जो है जो गैस है वो उसके सरफेस पे एड्सॉर्ब हो जाएगी कैटलिस्ट के आगे, ठीक है। तो बहुत ज्यादा हाईली वो कोलाइड करेंगे, उनकी एंट्रोपी बढ़ जाएगी, तो रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है। ऐसे कि डेल्टा एस नेगेटिव होता है ना, इसलिए द प्रोडक्ट फॉर्म विल लीव द सरफेस ऑफ कैटलिस्ट। Why is adsorption always exothermic? Adsorption always exothermic होता है, ये आपने thermodynamics का formula पढ़ा होगा 11th class में। Delta G is equal to delta H minus T delta S। सब कुछ negative होता है, delta G negative होता है इसमें, Gibbs free energy, delta H negative होता है, delta S भी negative होता है, ठीक है। और तो जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है बिटवीन एड्सॉर्बेट एंड एड्सॉर्बेंट ड्यू टू विच एनर्जी इज रिलीज, ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है एड्सॉर्बेट एड्सॉर्बेंट के बीच में, तो जब वो अलग होंगे तो एक जो एनर्जी रिलीज ही होगी, फोर्स एब्जॉर्ब तो होगी नहीं। व्हेन गैस इज एड्सॉर्ब्ड ऑन द सरफेस डेल्टा एस इज नेगेटिव, डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस, एंड फॉर द प्रोसेस टू बी स्पॉन्टेनियस, स्पॉन्टेनियस मतलब नेचुरल, डेल्टा जी मस्ट बी नेगेटिव, टी डेल्टा एस इज नेगेटिव, डेल्टा जी विल बी नेगेटिव ओनली, मतलब सब कुछ इसमें नेगेटिव है बेसिकली, एवरीथिंग इज नेगेटिव। ओके, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, हाउ आर द कोलाइडल सॉल्यूशंस क्लासिफाइड ऑन द बेस ऑफ फिजिकल स्टेट ऑफ द डिस्पर्स फेज एंड डिस्पर्शन मीडियम। बहुत इंपॉर्टेंट है ये, वन मार्क्स में काफी बार पूछा जाता है कि गिव सम एग्जांपल्स ऑफ एयरोसॉल्स और व्हेन डिस्पर्स फेज इज सॉलिड एंड डिस्पर्शन मीडियम इज गैस, सो व्हाट इज गोना बी द प्रोडक्ट और समथिंग, ऐसे क्वेश्चंस काफी आते हैं। How are the colloidal solution classified on the basis of physical states of the dispersed phase and dispersion medium?
व्हेन डिस्पर्स फेज इज सॉलिड एंड डिस्पर्जन मीडियम इज गैस, तो एयरोसॉल बनेगा. ठीक है, गैस हो गया ना डिस्पर्जन मीडियम, तो हम एयर को ज्यादा प्रेफरेंस देंगे, एयरोसॉल ऐसे याद कर लो. और उसके एग्जाम्पल क्या है, स्मोक एंड डस्ट पार्टिकल. स्मोक जो होता है मेनली तो गैस होती है ना, पर उसमें डस्ट पार्ट, उसमें जो है डस्ट पार्टिकल्स भी होते हैं. स्मोक डस्ट पार्टिकल्स तो नहीं होता, बेसिकली बेसिकली वो सॉलिड भी तो होता ही होगा, उसमें कुछ पार्टिकल्स ऑफकोर्स है ना, थोड़ा कोलोइडेड सा होता है, वो डेंस होता है स्मोक. सॉलिड इज डिस्पर्स फेज एंड डिस्पर्जन मीडियम इज लिक्विड, तो क्या बनेगा, सॉल बनेगा. ठीक है, सॉल बनेगा. ओके, सॉल्यूशन बेसिकली आप कंसिडर कर लो इसे. हमने लिक्विड में सॉलिड को हल्का सा मिला दिया तो वो सॉल फॉर्म करेगा, जैसे गोल्ड सॉल, स्टार्च, गम, मडी वाटर, पेंट्स. मडी वाटर, पेंट्स तो बहुत ईजी है, पेंट्स याद कर लो कि बेसिकली लिक्विड है बट सॉलिड भी है, इतना थिक है, डेंस होता है वो. गोल्ड का सोल्यूशन है, गोल्ड है सॉलिड, सोल्यूशन हो गया, मतलब यू नो पता चल रहा है कि वो लिक्विड है, तो ऐसे याद कर लो. सॉलिड 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 सॉल, दैट इज वेरी इजी. सॉलिड सॉलिड का तो कुछ भी हो सकता है, जैसे कलर्ड जेम स्टोन, सम एलॉयज, एलॉयज इट्स वेरी गुड एग्जाम्पल, राइट, इजी एंड गुड. पर्ल्स, रूबी ग्लास. अभी लिक्विड सॉलिड, लिक्विड और अगर जब सॉलिड डिस्पर्स फेज और लिक्विड है, जेल्स, तो जेली आप कंसिडर कर लो. जेली इसका एग्जाम्पल है. जेली कैसी होती है, पूरी की पूरी सॉलिड होती है बट कितनी सॉफ्ट भी तो होती है, मतलब ट्रांसपेरेंट सी, क्रिस्टलाइज सी, वो लिक्विड लगती है. तो जैसे मतलब लिक्विड को हमने फ्रीज, मतलब यू नो कुछ उसमें जेलेटिन डाल के उसे रेफ्रिजरेट कर दिया या फिर कुछ, तो इसी टाइप से लिक्विड सॉलिड जेल्स, जेलीज, चीज, शू पॉलिश, बटर. लिक्विड लिक्विड इमल्शन, लिक्विड ये तो इतना इंपॉर्टेंट है, इमल्शन तो काफ़ी आता है, इमल्शन के काफ़ी टाइप्स भी है, डिमल्सिफिकेशन होता है, इमल्सिफायर्स, बहुत कुछ है, अभी आगे आएगा. लिक्विड लिक्विड इमल्शन, मिल्क, हेयर क्रीम, कोल्ड लिवर ऑयल. जब डिस्पर्जन मीडियम गैस है और वो लिक्विड है तो एयरोसॉल बनाएगा, एयरोसॉल. इधर भी एयर, जहां गैस डिस्पर्जन मीडियम में है वहां एयरोसॉल फॉर्मेशन हो रहा है. अब इसका हम कर सकते हैं फॉग, फॉग ऑफकोर्स देखा है ना, जो लीव्स होती है उन पे ड्रॉपलेट्स आ जाती है फॉग के टाइम पे. मिस्ट, क्लाउड. अभी जब डिस्पर्जन मीडियम सॉलिड है और डिस्पर्ज फेज गैस है तो सॉलिड सॉल बनेगा, जैसे फोम, रबर, कॉर्क. और जब डिस्पर्जन मीडियम गैस है और डिस्पर्ज फेज गैस, आई मीन सॉरी, डिस्पर्जन मीडियम लिक्विड, डिस्पर्ज फेज गैस है, तो क्या बनेगा, फोम. व्हिप्ड क्रीम, लेमनेड, फ्रॉथ. व्हिप्ड क्रीम समझ ही आ रहा होगा, लिक्विड और गैस के फॉर्मेशन से बनती है व्हिप्ड क्रीम, मतलब किसी भी चीज को, बेसिकली अगर आप किसी भी चीज को बहुत देर तक विस्क कर रहे हैं तो वो अपने आप ही इतनी, मतलब कि काफी ज्यादा यू नो क्वांटिटी बढ़ जाती है, दैट्स बिकॉज के अंदर एयर ट्रैप हो जाती है, तो व्हिप्ड क्रीम उसका एक एग्जाम्पल है. डिस्कस द इफेक्ट ऑफ प्रेशर एंड टेम्परेचर ऑन द एड्सॉर्बेशन ऑफ गैसेस ऑन सॉलिड. इफेक्ट ऑफ प्रेशर, प्रेशर ऑफ एड्सॉर्प्शन इंक्रीज विद इंक्रीज इन प्रेशर एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर बिकॉज वॉन डर वॉल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन गैस ऑन सॉलिड इंक्रीज. आई हैव टोल्ड दिस. केमिकल एड्सॉर्प्शन, फर्स्ट इंक्रीज विद इंक्रीज इन प्रेशर एट लो प्रेशर एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर बिकॉज फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इंक्रीज बिटवीन गैस एंड सॉलिड, बट एट हाई प्रेशर एक्सटेंट ऑफ एड्सॉर्प्शन बिकम्स इंडिपेंडेंट ऑफ प्रेशर. अब जिनको भी डाउट, मुझे भी डाउट था ये पहले कि ऐसा क्यों होता है कि मतलब टोटल एड्सॉर्प्शन के इनवर्सली ही प्रोपोर्शनल है क्या नाम है उसका, टेम्परेचर. बट केमिकल एड्सॉर्प्शन में इन्होंने ऐसे लिखा है कि वो इंक्रीज होता है टेम्परेचर के इंक्रीज होने के साथ, फिर डिक्रीज हो जाता है जब हाई टेम्परेचर हो जाता है. तो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है गैस और सॉलिड के बीच में, ठीक है, उसके लिए एक कॉन्स्टेंट टेम्परेचर चाहिए होता है, ठीक है. बट एट हाई प्रेशर एक्सटेंट ऑफ एड्सॉर्प्शन बिकम्स इंडिपेंडेंट ऑफ प्रेशर, बट फिर जब हाई प्रेशर वो अचीव कर लेता है तो फिर वो इंडिपेंडेंट हो जाता है प्रेशर के, ठीक है. सॉरी मैंने टेम्परेचर से वो कर दिया, बट ये प्रेशर का था, बट सेम फिनोमिना लगेगा उसमें. इन फिजिकल एड्सॉर्प्शन द एक्सटेंट ऑफ एड्सॉर्प्शन डिक्रीज विद इंक्रीज इन टेम्परेचर, वेयर एज इन केमिकल एड्सॉर्प्शन एक्सटेंट ऑफ एड्सॉर्प्शन फर्स्ट इंक्रीज एंड देन डिक्रीज विद इंक्रीज इन टेम्परेचर. ओके, सिमिलरली द फॉलोइंग फिगर शो द इफेक्ट ऑफ प्रेशर एंड टेम्परेचर ऑन अ फिजिकल एंड केमिकल एड्सॉर्प्शन. आपको फिगर दिखाती हूँ, देखिए ये रहा. वैसे बनाने का इतना ज्यादा नीड नहीं है, अगर आपने बनाना है तो बना देना. What are lyophilic, again very important question, ये मेरे pre-board में भी आया था. What are lyophilic and lyophobic salts? Lyophilic basically philic, liquid loving, lyophobic liquid repelling.
गिव एन एग्जाम्पल ऑफ ईच टाइप. वाई आर हाइड्रोफोबिक सॉल्ट इजिली कोएगुलेटेड? जो लिक्विड रिपेलिंग होते हैं वो इजिली कोएगुलेटेड क्यों हो जाते हैं? लायोफिलिक, दीज सॉल्ट इन विच देर आर फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन डिस्पर्स फेज एंड डिस्पर्जन मीडियम आर कॉल्ड लायोफिलिक सॉल्ट. तो वो सॉल्ट जिनके बीच में फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन होती हैं डिस्पर्स फेज और डिस्पर्जन मीडियम के बीच में, उन्हें लायोफिलिक सॉल्ट कहते हैं. लायोफिलिक मीन्स लिक्विड लविंग. दे आर डायरेक्टली प्रिपेयर्ड बाय, इनमें कोई स्पेशल मेथड की हमें रिक्वायरमेंट नहीं होती, डायरेक्टली इजिली प्रिपेयर हो जाते हैं. ठीक है, दे आर डायरेक्टली प्रिपेयर्ड बाय मिक्सिंग सब्सटेंसेज लाइक गम, जेलेटिन, स्टार्च विद सूटेबल डिस्पर्जन मीडियम लाइक वाटर. एग्जाम्पल, स्टार्च इन वाटर, एल्ब्यूमिन इन वाटर, गम इन वाटर, दे आर रिवर्सिबल सॉल्ट्स.